तेरे घर के सामने, तेरे घर के सामने, अरे आमने सामने तेरे घर के सामने मचा है कैसा शोर। देखो लूट रहे हैं इसका मजा सब, हुआ न कोई बोर। यहाँ मौज मस्ती होती है कुश्ती, बेचारे पति आए देख तमाशा देख, तेरे घर के सामने, ना ना ना, तेरे घर के सामने। सुसु, ओ सुसु, ये दीवार बीच में कहां से आ गई? सुसु, सुसु, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? जरा भाई सब बोले ना, बिल्कुल मैनर्स नहीं है। सॉरी सुसु, कहा है? जरा जोर से बोलो ना। अरे कमाल है, जोर से बोलता हूँ तो कहती हूँ आहिस्ता बोलो, और आहिस्ता बोलता हूँ तो कहती हूँ जोर से बोलो। मेरी समझ में नहीं आता तुमसे बात कैसे की जाए। ठीक है बताओ बात क्या है। मेरे धोए हुए कपड़े कहाँ है? ओ सॉरी, आज भी तुम्हें वही कपड़े पहन के जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कल गंगू नहीं आई। अरे गंगू भाई नहीं आई तो क्या हुआ, तुम कपड़े नहीं धो सकती? मैंने तुमसे तुम्हारे कपड़े धोने के लिए शादी नहीं की है। तो पहले कहना था ना, मैं गंगू भाई के साथ शादी कर लेता, कम से कम धोए हुए कपड़े तो मिलते। तुम जानती हो मेरे क्लास का एक भी स्टूडेंट गंदे कपड़े पहनकर आता है तो मैं उसे फौरन बाहर निकाल देता हूँ, और कल मेरे सारे स्टूडेंट्स मुझे बाहर निकालने की बातें कर रहे थे। तुम्हारे क्लास में स्टूडेंट्स होते ही कब है जो तुम्हें बाहर निकाल दे? उस दिन मैं आई थी तो कॉरिडोर में लेक्चर दे रहे थे, उस वक्त लंच टाइम था। लेक्चर क्यों दे रहे थे? लेक्चर नहीं दे रहा था डार्लिंग, स्टूडेंट से मैं कह रहा था कि मेरे बारे में टॉयलेट की दीवारों पर कुछ ना लिखें। क्या, क्या लिखा था बच्चों ने तुम्हारे बारे में टॉयलेट की दीवारों पर, बताओ मुझे। अब तुम्हें कैसे बताओ सुसु? क्या है, कॉलेज की एक लेडी प्रोफेसर है सुसु, तो उसके साथ मेरा नाम जोड़कर हमारे कॉलेज के स्टूडेंट कुछ ना कुछ टॉयलेट की दीवारों पर सुविचार लिखते रहते हैं। बताओ उसका नाम क्या है? अभी छोड़ो ना, मेन मुद्दे को क्यों टाल रही हो? मुझे धोए हुए कपड़े चाहिए और वो मुझे नहीं मिल रहे। नहीं मिलेंगे, आज भी गंगू नहीं आई तो कल भी कपड़े नहीं मिलेंगे। लेकिन पहले तो तुम गंगू का इंतजार कभी नहीं करती थी, खुद कपड़े धो लेती थी वॉशिंग मशीन में। उस वक्त की बात अलग थी, उस वक्त ऐश्वर्या हमारे घर के सामने रहने को नहीं आई थी। अरे कमाल है, तुम मेरे कपड़े धोती हो, उसमें ऐश्वर्या को क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, जरूर फर्क पड़ता है। जब भी वो मुझे अपने घर में काम करते हुए देखती है ना, उस दिन उसके घर में हलवा पूरी बनती है। अच्छा, पता है कल मैं बालकनी में झाड़ू लगा रही थी ना, तो सामने से देख के जोर जोर से हंस रही थी। ओ, तो तुम मेरी बीवियों का चुप रही? मैं क्यों चुप रही थी? मैंने वो सारा कचरा उठाया और उसकी बालकनी की तरफ फेंक दिया। Very good, darling. I'm proud of you. लेकिन बदकिस्मती देखो, हवा का झोंका इतनी जोर से आया कि वो सारा कचरा लौट कर मेरे मुंह पे आ गिरा। हंस रहे हो? कहाँ हंस रहा हूँ डार्लिंग, कमबख्त हवा का झोंका भी ऐश्वर्या की फेवर में आता है। Anyway, डार्लिंग, मेरी पूरी सिंपथी तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम मेरे कपड़े धोने का कुछ इंतजाम करो। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं सारे कपड़े लॉन्ड्री में डाल देती। ये क्या कर रही हो, मैंने कब कहा लॉन्ड्री के लिए? अरे मेरी आधी पगार चली जाएगी, तुम खुद नहीं धो सकती? नहीं वो भी करती, लेकिन क्या करूं, अपने वॉशिंग मशीन का ड्रायर खराब हो गया है, उसमें कपड़े ड्राई होने के बजाय और गीले हो जाते हैं। अरे तो उसे रिपेयर नहीं करवा सकती? चिल्लाओ मत मैम साहब। गंगू, ए कहाँ जा रहे हो? गंगू आ गई। गंगू बाई, तुम दो दिन से क्यों नहीं आई? मैं पूछती हूँ क्यों नहीं आई दो दिन से? वॉशिंग मशीन रिपेयर हो गया, मैकेनिक को फोन कर दिया है। तो फिर मैं जा रही हूँ वापस, हाथ से कपड़े धोना मेरे से नहीं होगा। जा जा माता। अरे क्या माता है सब? ठीक है, नहीं आती, वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे यहाँ काम करने के लिए। क्यों? मुझे नया काम मिल गया है, वो ऐश्वर्या मैडम है ना, उनके यहाँ। तुम ऐश्वर्या के घर में काम करती हो? हाँ, और पता है उनके यहाँ तो लेटेस्ट फैशन का वॉशिंग मशीन भी है। लेटेस्ट फैशन? हाँ, बस बटन दबाओ और बैठ जाओ टीवी देखने के लिए। कल तो मैंने उनके सारे कपड़े एक सीरियल देखते देखते धो डाले थे। लालू? यस डार्लिंग। सुना तुमने? हाँ मैं पूछता हूँ, कौन सा सीरियल देखते देखते धो डाले? बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल। चुप, भाड़ में गई सीरियल। ऐश्वर्या के पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, वो लोग तो बहुत अमीर है। जब मैंने उनको बताया
सुष्मिता मैडम का वॉशिंग मशीन पुराना हो गया है, खराब हो गया है, तो पता है क्या बोली? क्या बोली? कहा वो, कहा हम, हमारी और उनकी बराबरी नहीं हो सकती। लालू, यस डार्लिंग, आज शाम तक मुझे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए। देखो डार्लिंग, तुम ठंडे दिमाग से काम करो। ठंडा दिमाग? मुझे आज शाम तक ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए, मतलब चाहिए। अरे देखो, मेरी बात को इतना सीरियसली मत लो, मैं अपने कपड़े खुद धो लूंगा। हमारे कपड़ों से इस बात का ताल्लुक नहीं है। अगर ऐश्वर्या के पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो मेरे पास क्यों नहीं? हटाओ। एक गंगू की बच्ची। क्या है साहब? गंगू, ऐश्वर्या मैडम के यहाँ ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, वो बात तुझे यहाँ कहने की क्या जरूरत थी? किसने कहा तुझे ये बात यहाँ कहने के लिए? ऐश्वर्या मैडम ने। ओह, अब तो मशीन के लिए कहीं से लोन लेना पड़ेगा। When my autobiography was published in 1970। मनु, पता है वो सुष्मिता की बच्ची बिल्कुल जल गई। जल गई? कब, कहाँ, कैसे? फोन देना। फोन, बता, छोड़ो। अच्छा बताओ क्या हुआ? अरे जब गंगू ने जाके उसे बताया ना कि हमारे पास नई वॉशिंग मशीन आ गई है, तो बिल्कुल जल गई। गंगू ने बताया? अरे ये क्यों नहीं कहती कि तुमने गंगू कहा कि वहाँ जाके बता दो कि हमने नई वॉशिंग मशीन ली है? तो क्या हुआ? अरे 25,000 की वॉशिंग मशीन खरीद कर क्या उसे छुपाया जाता है? अच्छा, मैं तो समझता था कि वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के काम में आती है, लेकिन आज पता चला कि औरतें उसका इस्तेमाल दूसरी औरतों को जलाने के लिए करती हैं। अच्छा अच्छा छोड़ो, पता है उसने देशपांडे से क्या कहा? क्या? उसने कहा कि जब ऐश्वर्या के पास वॉशिंग मशीन हो सकती है तो फिर मेरे पास क्यों नहीं? आज शाम तक मुझे वॉशिंग मशीन चाहिए। मतलब कि देशपांडे साहब की आज 25,000 की धुलाई हो ही गई। अरे छोड़ो ना, बड़ा मजा आया होगा जब देश पांडे वो 25,000 रुपए इकट्ठे करने के लिए दर दर की ठोकरे खा रहा होगा। मेरी तरह नहीं शुरू होगा तुम। अरे मैं किताब पढ़ रहा हूँ। अरे इतना ऊंचा म्यूजिक कौन चला रहा है? I don't know। तुम्हारी बहन ने कहीं नया टेप रिकॉर्डर तो नहीं खरीदा है? I don't know। अफ़्फ़ा, रिचा, क्या है तुम्हारी? अरे तुम इतना ऊंचा टेप रिकॉर्डर लगाकर क्यों म्यूजिक सुन रही हो? मैंने कहा टेप रिकॉर्डर लगाया है। तो फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? लगता है सामने के घर से आ रही है। सामने के घर से? हाँ, शायद मेरे देश पांडे के घर से आ रही है। अरे जाके देख लो ना कहाँ से आ रही है। चलो चलो देख के आते हैं। सुसु, मेहरबानी करके ये आवाज कम करो वरना मैं बहरा हो जाऊंगा। चुप रहो। तक वो ऐश्वर्या की बच्ची बालकनी में आकर देख ना ले कि मैंने नया साउंड सिस्टम खरीदा है, मैं आवाज नहीं कम करने वाली। यस, मिसेस देशपांडे के घर से ही आवाज आ रही है। लगता है उन्होंने नया म्यूजिक सिस्टम खरीदा है। वाओ, इम्पोर्टेंट लगता है। काश हमारे घर पे भी होता। अरे ऐसा क्या है उस म्यूजिक सिस्टम में? अरे तुमको नहीं पता, जिसके घर में ऐसा नया म्यूजिक सिस्टम हो, सही मानो में वही म्यूजिक का एंजॉय कर सकता है। लालू, उसने देख लिया। अरे कान में से रुई निकालो ना। क्या कह रही हो? कान में से रुई निकालो, मैंने वॉल्यूम कम कर दिया है। अरे क्या कह रही हो तुम? लालू, ऐश्वर्या ने देख लिया कि मेरे पास ऐसा सीढ़ी है जो वो सपने में भी नहीं खरीद सकती। लेकिन डार्लिंग, ये सीढ़ी तुम लाई कहाँ से? वो तो मैंने जोशी से खरीदा है। ऊपर वाले इंस्टॉलमेंट जोशी से? हाँ। मर गया। उसके पास एक इम्पोर्टेड पीस आया था, मुझे उसने इंस्टॉलमेंट में दे दिया। तभी मैं सोचूं कि आज स्टेशन से आते आते रिक्शा का भाड़ा जोशी ने क्यों दिया। क्या? सुष्मिता के पास इम्पोर्टेड म्यूजिक सिस्टम है, मेरे पास क्यों नहीं है? बहुत लेट हो गया है, सोते हैं बेटा। सारे कपड़ों से बदबू आ रही है, अब तो टॉवल से भी बदबू आनी शुरू हो गई। अरे सुष्मिता म्यूजिक सुन रही है। सुसु, क्या है? देखो डार्लिंग, अगर आज तुमने मुझे धोए हुए कपड़े नहीं दिए ना, तो मैं कॉलेज जाने वाला नहीं। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम कॉलेज नहीं जाओगे तो मेरे नए सीडी डेक का इंस्टॉलमेंट कौन भरेगा? मेरी समझ में तो ये बात नहीं आ रही है कि जब तुम्हें वॉशिंग मशीन की जरूरत थी तो ये सीडी डेक क्यों खरीदा तुमने? वो जोशी के पास ब्रांड न्यू पीस आया था। अरे जोशी के पास तो कल उठ के ब्रांड न्यू हस्बैंड भी आएगा, तो तुम खरीद लोगी? ये तो ऐश्वर्या पे डिपेंड करता है। क्या मतलब? मतलब मैं ऐसे किसी भी मामले में पीछे नहीं हटूंगी जिसमें ऐश्वर्या को मुझे जलाने का मौका मिले। इसलिए तो मैंने ये सीढ़ी खरीदा है, वरना वो जोशी ये सीढ़ी लेके ऐश्वर्या के पास जाने वाला था। जोशी के बच्चे को तो एक दिन मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मेरे कॉलेज के स्टूडेंट भी कहेंगे कि सर, आपको इतना कठोर बनने की जरूरत नहीं थी। कौन कठोर हो गया भाई? जोशी तो आदमी है कि कौन है? क्यों, क्या हुआ? अरे ये डेक हमें बेचने की क्या जरूरत थी? क्यों, चलता नहीं क्या? चलता नहीं? नहीं, 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 नहीं। सारे पड़ोसी बालकनी में से झाक झाक कर सुन रहे थे कि सुरीली आवाज कहाँ से आ रही है। तो फिर? अरे क्या फिर, इंस्टॉलमेंट कौन भरेगा? मेरा चाचा। अरे तुम क्यों फिक्र करते हो, मैं घर खर्चे से नहीं।
घर खर्च मतलब कल मुझे तीन की जगह सिर्फ दो ही रोटियां मिलेगी। अजी पांडे तो वॉशिंग मशीन खरीदने के बाद सिर्फ एक ही रोटी खा रहा है। मेरी समझ में तो अब तक ये बात नहीं आ रही कि जब तुम्हें वॉशिंग मशीन की जरूरत थी फिर ये डैश खरीदने की क्या जरूरत है। नाराज क्यों हो रहे हो, वॉशिंग मशीन भी ले रही हो? ये रहे वॉशिंग मशीन के रेट कार्ड। जोशी तू तो मेरा दिवाला निकालेगा। अजी कुछ दिवाला नहीं निकलता है, इन सारी दुकानों में मेरी अच्छी पहचान है, तुम्हें वॉशिंग मशीन इंस्टॉलमेंट पे मिलेगा। अरे लेकिन इंस्टॉलमेंट कौन भरेगा मेरा? अरे तुम क्यों नाटक कर रहे हो, जाओ ना, तुम्हें कॉलेज जाने में देर हो रही है। नहीं मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। क्यों? अरे कल मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाकर वार्निंग दी है कि कल से तुम धोए हुए कपड़े पहन कर आना। तुम्हारे कपड़े तो धुल गए हैं गंगू, सबके कपड़े लाना जरा। मेरे कपड़े धुल गए? अच्छा ये लीजिए। लेकिन ये तो गिल्ले हैं। गिल्ले हैं तो क्या हुआ, धुले हुए हैं ना। लेकिन ऐसे कपड़े पहनकर मैं कॉलेज गया तो मुझे न्यूमोनिया हो जाएगा। फिकर मत करना, मेरे पहचान का एक डॉक्टर है जो फीस भी इंस्टॉलमेंट पे लेता है। सच बोल रहा हूँ मैं, रियली वो है ना। अजी देखो मुझे मुझे ये वॉशिंग मशीन का मॉडल पसंद है, चार डोर वाला। भाभी जी वो वॉशिंग मशीन नहीं है, वो फ्रिज है। पीछे ठीक है, ठीक है, ये अच्छा है। वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, करेक्ट है। हाय गाइस, हां तुम भाड़ क्या कर रहे हो? अरे आपने देशपांडे सर आए नहीं ना अभी तक, उनका इंतजार कर रहे। अरे वो देखो आ गए देशपांडे सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तुम लोगों ने मजुमदार मैडम को देखा? हाँ सर, वो स्टाफ रूम में बैठी है। ठीक है ठीक है, चलो चलो। कितनी बार कहा यू आर नॉट अलाउड टू स्टैंड हियर। गुड मॉर्निंग प्रोफेसर देशपांडे। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, जुकाम हो गया है क्या? नहीं ड्रायर खराब हो गया है जी। मेरा मतलब है हमारे वॉशिंग मशीन का ड्रायर खराब हो गया है, कपड़े ठीक से सूखते नहीं इसलिए गिल्ले कपड़े पे। अरे रे रे, कितना जुकाम हो गया आपको, मेरे पास एस्पिरिन है तू? नहीं इट्स ऑलराइट, आप मेरा कितना ख्याल रखती है। अगर मैं आपकी मिसेस की जगह होती तो। क्या जी? मेरा मतलब है अगर मैं आपकी मिसेज की जगह होती तो हेयर ड्रायर से आपके कपड़े सुखा देती, लेकिन इस तरह गीले कपड़े पहनकर आपको कॉलेज नहीं जाने देती। क्या हुआ? नहीं आपकी इन बातों से लगता है मेरे कपड़े सूखने शुरू हो गए। मेरे लेक्चर का समय हो गया, मैं चलती हूँ। ओके मगर चश्मिश है बड़ा चलो। क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग प्रोफेसर देशपांडे को देखा? स्टाफ रूम में बैठे हैं मुजुमदार मैडम के साथ। क्या अगेन आई एम लेट? नथिंग नथिंग, गो टू योर क्लास, गो गो। देशपांडे ये तूने अच्छा नहीं किया। प्रोफेसर देशपांडे। यस सर। इधर इधर। यस सर। मैंने आपको धुले हुए कपड़े पहन के आने को कहा था, बिना कपड़े नहीं। सर मैं कपड़े पहन कर आया, ये देखिए ये रहे कपड़े, लेकिन जरा गिल्ले हैं। गिल्ले? यस सर देखिए। आई मीन सीन माय क्लासरूम। क्लासरूम? आई मीन ऑफिस रूम। ओके सर ओके। हाँ तो ठीक है भाई साहब, आप बैंक में आके डिस्कस कीजिए ना, यहाँ फोन पे क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ नमस्कार। हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरे लोन का क्या हुआ? वेरी गुड न्यूज सर, बैंक ने आपका 25,000 का लोन सैंक्शन कर दिया है ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए। और रियली वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ कि मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी देनी पड़ेगी? ओनली 2,000 रुपीज पर मंथ सर। 2,000 रुपीज, अच्छा ठीक है। लेकिन एक चीज बताओ ना, जो मंथली इंस्टॉलमेंट मेरे 2,000 रुपए कटेंगे ना, उसको रिकवर करने के लिए बैंक के पास कोई आइडिया है? ऑफ कोर्स सर। क्या है? पेटी कैश में से हर महीने 2,000 चुरा लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है? सिंपल सर, मिसलेनियस एक्सपेंस में दिखा दीजिए 2,000 हर महीने। मतलब? मतलब ये सर कि अगले महीने से आपकी गाड़ी बार बार खराब होती रहेगी और स्पेयर पार्ट्स बदलने के लिए खर्चा होता रहेगा। व्हाट अ वंडरफुल आईडिया, व्हाट अ वंडरफुल आईडिया। लेकिन ऑडिट वाले हमें पकड़ तो नहीं लेंगे? नहीं पकड़ेंगे सर, मैं पिछले 5 साल से यही कर रही हूँ। और फिर आपके पास तो दो दो गाड़ियां हैं सर। ये तो। हेलो मनु डार्लिंग। हाँ बोलो ऐश्वर्या। अरे तुमने क्या लंच किया? नहीं अभी तो नहीं खाया, अभी टाइम है। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। अरे मैं नहीं तुम्हारा ख्याल रखूंगी तो और कौन रखेगा? ये तो है। अच्छा सुनो। हाँ बोलो। वो हमारा जोशी है ना? जोशी? जोशी को क्या हुआ?
तुमने कुछ खरीदा तो नहीं ना? अरे नहीं, खरीदी कहाँ, मैं तो एक्सचेंज कर रही हूँ। क्या? अरे वो अपना सड़ा सा पुराना टीवी है ना, उसे देकर उसके बदले में 29 इंच वाला बड़ा टीवी ले रही हूँ। ये तो ठीक ही है, कुछ पैसे वैसे तो नहीं देने पड़ रहे ना? अरे कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बस यही 30,000 रुपया। 30,000 रुपया? अरे तुम्हें फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं तुमसे पैसा नहीं मांगूंगी। हाँ, मैं वो जो हमारा जॉइंट क्रेडिट कार्ड है ना, उसे इस्तेमाल कर रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं शाम को घर पे आऊंगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना। अरे इसमें डिस्कस करने वाली कौन सी बात है? लो डिलीवरी आ भी गई। आइए आइए, जोशी जी थोड़ा संभाल के बाहर। संभाल के बिल्कुल, डोंट वरी। हाँ जोशी को फोन देना जरा। हाँ हाँ लो। अरे जोशी जी बात कीजिए जरा, बताइए मनु को कितना अच्छा टीवी है। पांडे साहब, हेलो पांडे, बहुत अच्छा टीवी है यार। जोशी के बच्चे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक ही हफ्ते में 2 कीमती सामान तूने मेरे घर पे भेज दिए। अरे फर्स्ट क्लास पीस है यार, ऐसा माल कहीं नहीं मिलेगा, 70 चैनल्स। अच्छा पीस तो तू भी बहुत कमाल का है, लेकिन अब कुछ मेरे घर पे भेजने की कोशिश की ना तो मैं तेरे भी पीसेस बना दूंगा, समझा क्या? खुश है, खुश है, खुश है, बहुत खुश है। कह रहे शाम को घर में आकर आराम से टीवी पर फिल्म देखूंगा। देखना देखना, जरूर देखना। ओके पांडे बाय। जोशी, जोशी क्या हुआ सर? कुछ नहीं, अगले महीने से मेरी दोनों गाड़ियों को गैराज में जाना पड़ेगा, और क्या होएगा। चलिए भाभी जी, अब अपने घर पे 29 इंच का कलर टीवी तो आ गया, इस टीवी पर अगर एलईडी लगा के फिल्म देखोगी ना, एलईडी जानती हो ना? हाँ हाँ, वो लेजर डिस्क लगा के फिल्म देखोगी ना, बड़ा मजा आएगा। अपने एरिया में किसी के भी पास नहीं है। अजी देश पांडे के पास भी नहीं है। तब तो मैं जरूर लूंगी। अच्छा ये बताओ कि वो आटा कितने का है? ए, सिर्फ 40 से 70 हजार। छी। अच्छा ठीक है, ऐसा करो कल तुम वापस आ जाओ। मैं आ जाऊँ ना वापस? आ जाओ ना। हाँ आ जाओ ना। मैं हाँ हाँ आ जाओ बस। दीदी, माय स्वीट दीदी, दीदी तुम नहीं जानती है सीडी डेक लेकर तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया। दीदी दीदी, अब तो मेरा इस घर से बाहर जाने का दिल ही नहीं करेगा। दीदी सचिन, हाँ? तुम्हें पता है क्या, इस देख की आवाज सुन के तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड है ना रिचा, हाँ? उसकी भाभी का मुंह इतना सा हो गया है। अच्छा मैं याद दिला दीदी, तुम्हारे इस डकचुक डकचुक ने तो मुझे रिचा को फोन करने भुला दिया। दीदी मैं जरा उसको फोन करूं। एक्सक्यूज मी, अभी फोन कर ही रहे हो तो जरा पूछ लेना कि इस बार उन्होंने कौन सा नया आइटम खरीदा है। राइट। हेलो हेलो मिसेस पांडे। हाँ बोल रही हूँ। मिसेस पांडे जरा रिचू को फोन देना। क्या? मेरा मतलब रिचा को फोन देना, मैं सचिन बोल रहा हूँ। लो तुम्हारा फोन है, उस मनुष्य के भाई का आया है। क्या कह रही है? आपके बारे में कुछ नहीं कह रही है। हेलो सचिन, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आज तुम कॉलेज के बाद मुझसे मिले क्यों नहीं? वो मैं जरा बिजी था। और तुम कैसी हो? अरे सुन, उसे बता दे कि हमने 29 इंच का टीवी खरीद लिया है, और जरा पूछ उन्होंने कुछ लिया है क्या। हेलो सचिन, भाभी कुछ कह रही है। क्या कह रही है? कह रही है कि हम लोगों ने 29 इंच का कलर टीवी ले लिया है, फुर्सत हो तो आके देख लेना। जरूर आऊंगा, जरूर आऊंगा। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तुम जानती हो मेरी दीदी ने क्या लिया है? क्या ले लिया? बोलो बोलो, बताओ। बता दूं? बता दूं? मेरी दीदी ने 10,000 वाट का सीडी डेक लिया है। और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी। बोल दो ना। हाँ, और ऑटोमेटिक वॉशिंग कपड़ा धोने का मशीन भी। दैट्स ग्रेट। क्या कह रहा है? वो कह रहा है उसकी दीदी ने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन भी ले ली है। तूने उसे बताया कि नहीं कि हमने 29 इंच का टीवी लिया है? बता तो दिया, कितने बार बताऊं? क्या बात है रुचि? कुछ नहीं सचिन, हो सके तो आ जाना, हम दोनों बैठ के फिल्म देखेंगे। ओके आ जाओ। हाँ हाँ ओके बाय। दीदी मैं जा रहा हूँ। क्यों? दीदी तुम्हें नहीं पता दीदी, ऑपोजिशन पार्टी वालों ने 29 इंच का कलर टीवी खरीदा दीदी, और रिचा ने मुझे फिल्म देखने के लिए बुलाया है। मैं जा रहा हूँ दीदी। 29 इंच कलर टीवी? प्रोफेसर, प्रोफेसर, कहाँ भाग रहे हो? डार्लिंग अभी अभी वो सचिन यहाँ से भाग कर कहाँ गया? मिसेस पांडे के घर। क्यों उसके घर क्यों? उसने 29 इंच का कलर टीवी लिया है। देखो मुझे बहुत ही भूख लगी है, तुम खाना लगाओ। सुनो, वो
वो 29 इंचेस का कलर टीवी कितने में आता है? मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम खाना लगाओ। और सुनो डार्लिंग, वो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के लिए मैंने कॉलेज की कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले लिया है, एंड आई होप कल से मुझे धोए हुए और सूखे हुए कपड़े मिलेंगे। हेलो साहब। हेलो हेलो। गंगू कहाँ थी इतनी देर, दोपहर को क्यों नहीं आई? मैं ऐश्वर्या मैडम के पास थी। पता है उन्होंने इतना बड़ा टीवी लिया है, वहाँ से हिलने को मन ही नहीं कर रहा था। आज मैंने उनका काम भी नहीं किया। ठीक है अंदर जाओ, हमारा काम कर जा। लालू। यस डार्लिंग। तुम बहुत थके थके से लग रहे हो, क्या बात है? नहीं नहीं, आई एम ऑलराइट, थका थका सा क्यों नहीं? नहीं नहीं, तुम आराम कर लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। डार्लिंग क्या मैं पूछ सकता हूँ ये आज बिना मांगे चाय क्यों मिल रही है? देखो तुम्हें मेरी कोई भी चीज जरा भी पसंद नहीं है। नहीं ऐसी बात नहीं है डार्लिंग, लेकिन जब भी तुम मुझे बिना मांगे कोई चीज ऑफर करती हो ना तो मैं जरा डर सा जाता हूँ। सुनो अपना वो वॉशिंग मशीन है ना, वो मैंने रिपेयर करा लिया है। हाँ? अरे मेरी अच्छी बीवी, कितने पैसे बच गए हमारे। हाँ? और वो जो लोन है ना तुमने उठाया हुआ वॉशिंग मशीन के लिए, वो लोन का क्या है? नहीं उसमें हम 29 इंच का टीवी ले लेते हैं। हाँ? क्या हुआ? अरे इनको क्या हुआ? पांडे पांडे। अरे देश पांडे, कैसे आने हुआ? पांडे आज मैं तुझे एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ। अपनी बीवी को रखना चाहिए। क्या मतलब? अगर उसने वो सीडी प्लेयर ना लिया होता तो मेरे घर में 29 इंच का वो टीवी नहीं आता। अरे बल्कि ऐसा बोल पांडे कि तेरी बीवी ने 29 इंच का टीवी नहीं खरीदा होता तो मेरी बीवी भी जिद नहीं करती वैसा ही टीवी खरीदने के लिए। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। किसका कसूर है? वो जोशी का बच्चा मेरे घर पे मेरी गैरहाजिरी में मेरी बीवी को महंगी महंगी चीजें देके चला जाता है। वो इंस्टॉलमेंट जोशी? हाँ। मतलब दोनों का डीलर एक ही है। अरे मेरी बीवी को भी सारी चीजें वही बेचकर चला जाता। तू नहीं मानेगा पांडे, मैं तो जोशी को मरवाने के लिए किसी को सुपारी देने वाला। तुम मुझे दे डाल, मैंने उसे मारने की पूरी तैयारी कर डाली है। जोशी की आवाज अंदर से कैसे आ रही है? ना सुंदर लग रहा है यार, इतनी खूबसूरत लग रही है आप। इतनी खूबसूरत तो आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भी नहीं लग रही थी। अगर आपको इन गहनों में सुष्मिता भाभी ने देख लिया तो पता नहीं क्या कर बैठेगी। सच कह रहे हैं आप? मैं चलता हूँ, ये रखता हूँ। नमस्ते देश पांडे जी। सलाम पांडे जी। अरे मनु तुम यही खड़े हो? अरे देखो ना कितना खूबसूरत हार है ना, और वो भी सिर्फ 50,000 का। पांडे पांडे, लगता है ये खड़े खड़े बेहोश हो गए। एनीवे पांडे मेरे भाई, मैं चलता हूँ, वो जोशी का बच्चा मेरी बीवी को भी 50,000 का हार बेच डाले उसे पहले मैं उसे सावधान कर देता हूँ। ओके सुसु, इसी वक्त यहाँ आई। क्या है? पहले तुम यहाँ। मैं यही तो हूँ। देखो सुसु, आज के बाद तुम उस जोशी के बच्चे को कभी एंटरटेन नहीं करोगी। क्यों, क्या हुआ? अरे वो जोशी का बच्चा वो ऐश्वर्या को 50,000 के गहने बेच चुका है। इसका मतलब मेरे पास ऐश्वर्या से ज्यादा गहने हैं? क्या मतलब? मैंने उस जोशी से 75,000 के गहने खरीदे हैं। क्या? घर के सामने, तेरे घर के सामने